जिले के धानोरा गढ़चिरौली मार्ग पर वर्धा नदी पर बने पुल की हालत दयनीय तथा खतरनाक स्थिति में आ गई है। पुलिया पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, साथ ही पुलिया के सरिया बाहर निकल आए हैं। इस मार्ग से होकर गुजरने वाले वाहन की टायर फूटकर कभी भी बहती नदी में जा गिर सकती है, लेकिन सामाजिक निर्माण कार्य विभाग का इस ओर अनदेखी नजर आ रहा है। गुगुस के पास से ही कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित धानोरा गांव की वर्धा नदी पुलिया से होकर करचांदुर जाने के लिए कम दूरी का मार्ग है। इस पुलिया से कोयला खदानें, सीमेंट कारखानों के माल लाने ले जाने का भारी वाहनों के माध्यम से आवागमन किया जाता है। रोजाना कई सारे वाहन इस पुलिया से होकर दिन रात गुजरते हैं, लेकिन पुलिया के रखरखाव के अभाव से नाजुक स्थिति में आ गई है। पुलिया के ऊपर सीमेंट कंक्रीट निकल आया है, लोहे की सलाखें बाहर निकल आई है, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे पुलिया पर कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन गई है। वाहन चालक की कोई भी छोटी सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इधर से अगर गाड़ी आ जाए तो किधर से जाएगा वो आदमी? बिल्कुल जानने वाला है ना सर, जानने वाला है, नहीं हो रहा। सब सोए हुए आदमी है, सभी आदमी सब इतने जानने वाला है, और वहाँ भी नदियाँ इतनी नदियाँ बह रही है, क्या करेगा आदमी? देखो ना, तकलीफ यहाँ जनता को सही नहीं पड़ती है। यहाँ दुनिया भर के गड्ढे ये होते हैं, जिसकी वजह से घर वालों को तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। कोई सी बाढ़ आती है इसमें एक तो सिमटी यानी कटकर वटकर कुछ भी नहीं है, और ये इतने दिन से पुलिया के ऊपर गड्ढे, इसके पूर्णतः शासन कभी कर रहे हैं, जनता को बहुत परेशानी है। गढ़चांदू राजूरा होते हुए आंध्र प्रदेश को ये रोड जाता है। ये इतना बड़ा वर्धा नदी का पुल है, जहाँ से कई सौ तक टू व्हीलर फैमिली वाले आना जाना करते हैं। कई महीनों से इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, जानलेवा गड्ढे हैं, सलाखें निकली हुई है। कभी भी जानलेवा हादसे हो सकते हैं, लेकिन PWD का स्टोर और प्रशासन का ध्यान नहीं है। चंद्रपुर PWD डिवीजन में आता है, इसमें खुली हुई सलाखें दिख रही है, क्योंकि तो जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ परिवारों के साथ में टू व्हीलर से लोग आना जाना करते हैं, हेवी व्हीकल आना जाना करते हैं, कभी भी टायर पंचर हो जाए। नदी के बाढ़ में रेलिंग भी दोनों साइड नहीं है, जो सेफ्टी रेलिंग होती है।